हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई दो चल रही है अपने, और इकाई दो में हम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य यानी हम संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत का पढ़ा रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन करवा रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, तो उन उद्देश्यों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत शिक्षण दिनांक होगी आज अप्रैल 19/6/21 और प्रकरण अपना है आज रहेगा संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी जो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य है उसका हम उसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको कैसे हम बांट सकते हैं। यानी सबसे पहले तो ये है कि कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य के पीछे हमेशा उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, और बिना उद्देश्य के हम कार्य करते भी है तो उसमें हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, और परिणाम शत प्रतिशत प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर कार्य के पीछे उद्देश्य अवश्य होता है, उस उद्देश्य के पीछे ही हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है। वैसे ही संस्कृत शिक्षण हम करवा रहे हैं और विद्यालय में संस्कृत शिक्षण करवाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य अवश्य होते हैं, और उद्देश्य को किस तरह से वर्गीकृत किया है और किस तरह से बताया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी ज्ञान से संबंधित उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, कोई भी ज्ञान, कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई भी अध्याय पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में संपूर्ण पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यानी इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा अवबोधात्मक उद्देश्य। एक तो ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन उसके बाद में अवबोध कितना होता है, अवबोध यानी उसके बारे में हमें जानकारी कितनी मिल रही है। यानी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात छात्रों में विषय वस्तु को समझने की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी छात्रों के अंदर उस विषय वस्तु के को समझने में उसके बाद उसके समझने की प्रवृत्ति का विकास करना है। उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त करी उसने, एक तो ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन हम ज्ञान तो हम पूरे दिन करते हैं लेकिन हर चीज को याद नहीं रखते हैं, हम कुछ ही चीजों को याद रखते हैं, कुछ ही विषय वस्तु को हम अवबोध कर पाते हैं। यानी उस जो भी हमने अध्याय करवाया है, जो भी अध्ययन करवाया है, जो भी ज्ञान दिया है उसके बारे में उस विषय वस्तु को समझने की प्रवृत्ति का विकास करना। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य यानी कौशल का विकास करना, विद्यार्थी के अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसके अंदर कौशल का विकास करना, जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो उसको अवबोध हुआ है, उसको उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसके बाद में कौशलात्मक मतलब जिससे संज्ञा की परिभाषा उसने याद की, ये ज्ञान है, उसके बाद में उसको याद हो गया कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, और उसके उसकी परिभाषा से
क्या निकल मतलब कि परिणाम निकलता है। उसके बाद में उसने उसके उदाहरण लिखे, उसके प्रकार लिखे, उसके बाद में अपनी जानकारी जोड़कर उसने उसके बारे में विश्लेषित किया, तो वो हो गया कौशलात्मक। मतलब है कि टीचर ने बताया कि संज्ञा की परिभाषा के बाद में उदाहरण जैसे पेड़ पौधे ये बताया, उसने कुछ और उदाहरण बताए, तो ये कौशलात्मक उद्देश्य आ गया। यानी वाचन लेखन आदि में कुशलता का उत्पन्न करना, यानी वाचन पढ़ना लेखन यानी लिखने इसमें कुशलता का मतलब की कुशलता उत्पन्न करना। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अवबोध होता है, अवबोध के बाद में वो खुद अपने हाथों से लिखता है और बोलता है, तो उसको बोलते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। अब है रुचियात्मक, चौथा है रुचियात्मक उद्देश्य। रुचियात्मक उद्देश्य यानी रुचि उत्पन्न करना, पढ़ने के प्रति या जो बालक पढ़ रहा है उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी संस्कृत साहित्य तथा विषय वस्तु के प्रति छात्र रुचि उत्पन्न करना। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो बच्चे बहुत कम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही कम इसमें भाग लेते हैं, और ये एक बोलचाल की भाषा नहीं है। जैसे अंग्रेजी तो एक हम बोलचाल की भाषा में उपयोग लेते हैं, लेकिन संस्कृत एक खाली विद्यालयों में बंद कमरों में चलने वाला विषय है, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए इसके प्रति संस्कृत के प्रति संस्कृत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना जरूरी है। रुचि उत्पन्न होगी तभी वो संस्कृत बोल पाएंगे, संस्कृत में वाचन कर पाएंगे। उसके बाद में अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य संस्कृत भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। अभिव्यक्त यानी बोलना, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसी तरह से संस्कृत भी बोल पाए हम कहीं भी, जैसे आदेश है, निर्देश है, प्रमाण, ये सभी हम संस्कृत में बोल पाए, इस तरह से संस्कृत अभिव्यक्त कर सके। तो संस्कृत के प्रति रुचि पैदा करना, संस्कृत के ज्ञान देना, और उसके बाद में संस्कृत में आदेशित करना, संस्कृत में निर्देशित करना, तो इससे संस्कृत बालक है वो शिक्षार्थी संस्कृत थोड़े थोड़े बोलने सीखेगा, तो उसके प्रति अभिव्यक्त करने में मतलब एक अभिव्यक्त करने की उसका गुण का विकास करना। उसके बाद में ज्ञानात्मक उपयोग, ज्ञानात्मक उपयोग उद्देश्य या ज्ञानो उपयोग उद्देश्य यानी ज्ञान का उपयोग, हम किस तरह से ज्ञान का उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य। हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमेशा हमें हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग में लेना है, उस तरह का उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए। यानी पढ़ी हुई विषय वस्तु का भावी जीवन में उपयोग कर सके, जो भी हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं या ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं विद्यालयों में महाविद्यालयों में, तो हम उस ज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग कर सके। ज्ञान का किस तरह से उपयोग किया जाता है, पुस्तक का जो ज्ञान होता है या किसी भी तरह का ज्ञान होता है, उसका हम हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग कर सके, उसका उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद में अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, अभिवर्ती सातवां उद्देश्य है अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवर्त्यात्मक यानी आदर्शमुख भाषा अध्ययन से, आदर्शमुख भाषा अध्ययन से छात्रों में आदर्श अभिव्यक्ति का विकास करना, जैसे आस्था, प्रेम, श्रद्धा आदि। यानी आदर्शमुख यानी संस्कृत के प्रति आदर्शमुख भाषा अध्ययन से छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति यानी आदर्श अभिव्यक्ति का विकास करना, जैसे आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो इस तरह के मतलब कि शिक्षार्थी में बालकों में अभिव्यक्ति का विकास करना,
तो ये थे अपने संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिससे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, रुचियात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तियात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य के अभिव्यक्तियात्मक उद्देश्य। धन्यवाद।